सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया है अभी तक का सबसे बड़ा इमोशनल ड्रामा, जहां अक्षरा के एक्सीडेंट के बाद अभिमन्यु बिरला हॉस्पिटल में करता है अक्षरा का ऑपरेशन। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसके परिवार को लगता है गहरा धक्का। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया है बड़ा ट्विस्ट, जहां अक्षरा एक्सीडेंट के बाद बिरला अस्पताल पहुंच जाती है। जहां अभिमन्यु उसे इतनी बुरी स्थिति में देखकर शॉक्ड हो जाता है। जूनियर डॉक्टर्स महिमा को बुलाते हैं, उन्हें पता चलता है कि अक्षरा का एक्सीडेंट हो गया है। वहीं आरोही भी परिवार को यह बताती है कि अक्षरा हॉस्पिटल में है और उसका हो गया है एक्सीडेंट। ऑपरेशन थिएटर में महिमा अभिमन्यु से कहती है कि अक्षरा एक मरीज है और उसे अपनी शपथ नहीं भूलनी चाहिए। महिमा उसे यह भी पूछती है कि क्या वो अक्षरा से प्यार करता है, जिसके लिए वो हाँ कहता है। महिमा फिर उसे तुरंत सर्जरी करने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि अगर उसने जरा भी देर की तो वो उसे खो देगा। वेल, इसी प्रक्रिया के दौरान उन्हें पता चलता है कि अक्षरा की वोकल कॉर्ड प्रभावित हुई है और महिमा अभिमन्यु को सावधान रहने के लिए कहती है। इसी बीच गोयनका और बिरला परिवार को अक्षरा की दुर्घटना के बारे में पता चल जाता है और वो अस्पताल पहुंचते हैं। आरोही उन्हें बताती है कि उनकी वोकल कॉर्ड्स प्रभावित हुई है और वो शायद फिर कभी ना गा पाए। अक्षरा के परिवार वाले इस बात को सुनकर हो जाते हैं शॉक। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन देखता है कि चारों ओर इतना ड्रामा हो रहा है और वो चाहता है कि इन सब रुकावटों के बीच अभिमन्यु और आरोही जल्द से जल्द शादी कर लें। वेल, सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अभिमन्यु सर्जरी पूरी करता है। वो इमोशनल होता है और अक्षरा से कहता है कि उसकी इसी आवाज ने उन्हें पहली बार मिलवाया था और वो अब किसी भी तरह उसे खोने नहीं देगा। लेकिन क्या वो अक्षरा के वोकल कॉर्ड को बचाने में सक्षम होगा? क्या अक्षरा फिर से गा पाएगी? आगे सीरियल की कहानी में आएगा कौन सा नया ट्विस्ट, ये देखना दिलचस्प होगा।